एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें पूरा मामला शहर कोतवाली के मवई गांव का है, जहां एक मोटरसाइकिल में 2 महिलाओं सहित बाइक सवार गांव की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद डाला और एक घर में जा घुसा। गलीमत रही कि घर के बाहर पेड़ लगा हुआ था जिस पर जाकर ट्रक रुक गया, वरना कुछ और जाने जा सकती थी। सड़क हादसे में एक महिला की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं एक महिला समेत एक पुरुष की मौत इलाज के दौरान हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल छा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा और ट्रक आग के हवाले करने लगे, लेकिन समय रहते पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और ग्रामीणों को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। ग्रामीणों के आक्रोश का कारण यह रहा कि आए दिन मवई के पास बेकाबू ट्रक लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन इनकी स्पीड है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। मवई के पास एक्सीडेंटल केस 2 आए हैं हमारे पास में, राजेंद्र जो कि ब्रांडेड आया है, दूसरा केस रीना है जो इसकी शादी बताई जा रही है, इसको गैस्पिंग कंडीशन में अति सीरियस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान इसकी भी मृत्यु हो गई है, दोनों शवों को मार्चरी में रखवाया गया, पोस्टमार्टम भी भेजा गया। ये हादसा जो है हर 10 दिन में 15 दिन में 1 महीने में 4 महीने में होता रहता है यहाँ पे, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ तो मिट्टी लोगों ने काट के मकान बना लिए, वो 20-20 फुट की गहरी काई है, कोई रोड पे चलता है तो सीधे धड़ाम से जाता है तो मर जाता है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि शासन प्रशासन यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं देखते हैं कि रोड काट करके ये लोग जो कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इतनी ऊंचाई है तो गांव के लोग इस पार से उस पार जाते हैं, तो या तो इसको मिट्टी को हटा करके यहाँ पे स्थाई बना दीजिए आप, नीचे से लोग गांव के इस पार से उस पार चले जाएंगे, ऊपर से बात से बसे जाती रहेंगी। आपकी अभी पुल बना ही है, वो पुल बना है उससे लोग जाते थे। सर ये बताइए जो एक्सीडेंट हुआ कितने खत्म हुए? इसमें 4 सर चले गए, 4 नहीं रहे इसमें, 3 का तो पक्का पता है, 4 का आप बता रहे हैं, 4 और खत्म हो गए। नाम मालूम नहीं है? नाम एक राजे भैया तिवारी हैं, हमारे भाई हैं, उनकी वाइफ हैं, हमारी भाभी हैं, वो खत्म हुई है। क्या है पूरा मामला किस तरीके? देखिए एक ट्रक आ रही थी और ये जो मवई है बगल में ही एक गाँव है, काफ़ी ढाल में है, किसी कारण बस ट्रक ने अपना बैलेंस खोया और डाउन वार्ड में चली गई, जिसमें से मौके पे ही आपके एक व्यक्ति और 2 महिला, जिसमें से एक साला और जीजा जी के रिश्ते के लिए मौके पे थे बाइक में, और एक महिला जो बगल में खड़ी थी उसकी मृत्यु हो गई है। इस बात को लेकर कुछ यहाँ के ग्रामीण लोग आक्रोशित थे, उन्होंने जाम लगा के कुछ अपनी जेन्युइन डिमांड बताई, जैसे बैरियर होने की कि ब्रेकर हो जाए, और चूँकि ढाल में इतना ज़्यादा है तो इसको लेके एक अंडरवे पुल की मांग हो रही थी कि भविष्य में अगर बन जाए तो ये समस्या समाधान हो जाए। और हमने भी देखा है कि ये जो रोड से नीचे ढाल है कभी 45 डिग्री ये है, कोई भी भविष्य में भी अगर मान लीजिए कोई वाहन अगर अपने बैलेंस खो देते तो बहुत नीचे जा सकते हैं, ब्रेक भी काम नहीं करेगा। इन लोगों के लेके ये थोड़े आक्रोश थी तो लोगों से बातचीत की, लोग मान भी गए हैं, अभी यातायात खुलवा दिया गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रात में ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके और परिजनों को सब आधे की वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, सब उसको रखा गया है, तो उसको भी लेके गाँव वाले आक्रोशित थे, तो ऐसा ना हो जाए कि उसके साथ कोई घटना, तो उसको भी आप लोग की मदद से बताया गया। अभी ट्रक को जो कि बहुत डाउन है तो अभी हम लोग लोकल में हाइड्रा वगैरह मंगा के उसको बाहर निकलवा रहे हैं।